आज दीपावली का पर्व है और दीपावली पर्व सारा देश ही नहीं सारे विश्व में जहां जहां सनातनी रहते हैं बड़े धूमधाम से दीपावली मना रहे हैं। हमारी ओर से भी आप सभी को और जहां जो सनातनी हैं सभी को भगवत भक्तों को खूब दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और आज के दिन ही समुद्र से गैया मैया प्रकट हुई। गैया मैया की पूजा इसीलिए आज होती है, लक्ष्मी जी की भी होती है और गौ माता की भी। तो शाम को लक्ष्मी पूजा करने से पहले जिन्होंने अभी सवेरे गाय की पूजा नहीं की वो पहले लक्ष्मी पूजा के पहले गाय की पूजा करें और संकल्प ले कि हम जीवन में कम से कम एक गाय की रक्षा का संकल्प लेते हैं जहां भी बने। हम ये नहीं कहते कि आप यहीं करिए, जहां आपको सुविधा हो, जहां आपको ठीक लगे, जहां आपकी श्रद्धा जमती हो, कम से कम एक गाय के भरण पोषण की जिम्मेवारी एक व्यक्ति ले ले। भाई इतनी जनता है, इतनी जनसंख्या हमारे भारत में है और भारत का हर सनातनी हर व्यक्ति एक गाय की जिम्मेवारी ले ले तो बतलाइए कोई गाय हमारी इधर उधर भटकेंगी, सारी गाय की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन हम लोग तो बस अपने पेट भरने में लगे हैं, हमारा काम बढ़िया बन जाए, गौ माता की जो हो सो हो, ऐसा नहीं। सब लोग मिलकर प्रयास करें, गौ सेवा हो, गौ माता के लिए आज दीपावली का अवसर है। आप लोग संकल्प ले लीजिए आज अपने अपने घरों में, जो लोग टेलीविजन पर सुन रहे हैं वो लोग भी, कि हम लोग यथाशक्ति जहां बनेगी, हम कहते हैं आप अपने घर में करिए, आसपास किसी गौशाला में जाकर करिए, जहां आपको लगता हो वहां करिए, पर प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले आज दीपावली में कि हम एक एक गैया मैया की रक्षा की, उसकी व्यवस्था की, उसके भोजन का प्रबंध करेंगे। अरे भाई एक गोग्रास के लिए थोड़ा सा नहीं निकाल सकते, थोड़ा थोड़ा पैसा भी गोग्रास के नाम पर एक डब्बे में डालते जाइए और महीना पूरा हो जाए तो वो गोग्रास के लिए कहीं भी जहां गौ सेवा होती है वहां भेज दीजिए। और अच्छा तो ये है कि अपने हाथों जाके सेवा करिए, अपने हाथों सेवा करिए, लेकिन गौ सेवा का व्रत अवश्य सब लें। और हमारे बुजुर्ग यहां वहां ना भटकें, उन बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें आज दीपावली पर। संकल्प लें जो बच्चे सुन रहे हैं कि हम अपने माँ बाप को कहीं इधर उधर भटकने नहीं देंगे, हम पूरा उनका सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और माता पिता का आदर करते हुए उनकी सेवा करते रहेंगे।